ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। बिल्लौर विधानसभा की सपा नेत्री रचना सिंह ने आज चौबेपुर ब्लॉक के ग्राम पनौपुरवा में पुलिस दरोगा के संरक्षण में दबंगों ने दलित परिवार का घर में घुसकर मारपीट की और चौबेपुर पुलिस मौके पर खड़े होकर तमाशा देखती रही, जिसमें दलित परिवार के एक सदस्य की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दो महिलाओं की गंभीर हालत है। सपा नेत्री रचना सिंह ने कहा, दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। पीड़ित परिवार को भरण पोषण के लिए सरकार कम से कम 50 लाख रुपये का मुआवजा दे। इसको लेकर वो घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने अपनी बात कही। आइए सुने उनको। बिल्लौर विधानसभा के चौबेपुर ब्लॉक के ग्राम पनौपुरवा में कल 10 बजे एक दलित परिवार के घर दबंगों द्वारा घुसकर, जो कि चौबेपुर के थाना के दरोगा के संरक्षण में ये सब होता, दरोगा के सामने दबंग दलित के घर पीड़ित परिवार को पीट पीट कर एक सदस्य की हत्या कर देते हैं। वहीं दो लोग घायल हो जाते हैं, जो कि अभी अस्पताल में एडमिट है और डॉक्टर बता रहा है अभी बचने की कोई आशंका नहीं है। वहीं हमारा निवेदन है शासन प्रशासन और सरकार से कि जो दोषी पुलिसकर्मी है उनको बर्खास्त किया जाए और जो पीड़ित परिवार है उनको 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, जिससे उसका परिवार का भरण पोषण हो सके। अगर ये सब मांगे हमारी पूरी नहीं होती तो हम समाजवादी लोग सड़क पर उतरकर परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे।